हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम दुबई जाएंगे, जिसकी मैंने पैकिंग डन कर ली है। रात को मुझे 102 बुखार था और सुबह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बुखार मेरा ख़त्म हो गया था। और मुझे लग रहा था इम्पॉसिबल होगा, मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ टाइमली हो गया। हमने अपने बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास लेने में भी हमें 1 आवर लगा। काफ़ी चेकिंग की, काफ़ी चीज़ें हुई और इसके बाद हमने 2 आवर्स का एयरपोर्ट पर वेट किया। और वानिया ने कॉफ़ी शॉप से एग लिया, जिसके बीच में से एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी निकलता है और उसमें सीटी निकली है, और जिसकी वजह से पूरे एयरपोर्ट का जीना हराम हुआ हुआ था। फाइनली 3 आवर्स के वेट के बाद हम फुल स्पीड एयरप्लेन में गए, बैठे और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं और वानिया बहुत केयरफुली इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही है। उसके बाद उन्होंने खाना सर्व किया आफ्टर 30 मिनट्स, और वानिया सिर्फ इस पानी में इंटरेस्टेड थी, उसको कुछ नहीं खाना था, सिर्फ उसने पानी पीना था। और हमेशा वो ऐसी करती है, कुछ भी खाना रख दो तो क्यूकम्बर खाएगी, जिसकी कैलोरीज नहीं होती ना वो वाली चीज़ उसको पसंद है, और जिनकी कैलोरीज होती हैं वो वाली चीज़ें उसने नहीं खानी होती। अच्छा जी, खाने पीने के बाद वानिया ने और उसकी नानी ने 2 आवर्स का नैप ले लिया, और मैंने आराम से अपने पिक्चर्स बनाई और बाहर का व्यू इंजॉय किया, चाय पी, मज़े किए। ये देखें जी, आप बाहर का व्यू देखें, कितना ज़बरदस्त था। बहुत ही क्लियर डे था उस दिन और बहुत ही अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। ओके, सो ये 3 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट थी फैसलाबाद टू दुबई, और उसके बाद प्लेन ने लैंड किया और हमने अपना लगेज कलेक्ट किया। वहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि वहाँ के जो कुली हैं उनको आपने देने हैं 30 दिरहम्स, और मैंने कुछ भी कैश जो है दिरहम्स में करवाई नहीं हुई थी, तो मैं वहाँ पर ATM में गई। वहाँ पर क्या सीन होता है कि जब आप अपना पाकिस्तानी ATM कार्ड यूज़ करते हो तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा कटता है, करेंसी एक्सचेंज और नॉन फाइलर हूँ मैं, तो उस पर अलग से टैक्स कट रहा था। 2-3 हज़ार का जो है ना कुली हम यहाँ पर बिल्कुल ना लें, लेकिन वहाँ पर मुझे लेना पड़ा। एनी हाउ, वहाँ पर हर चीज़ इसी तरह से ही चली, और यहाँ पर हमने अपना लगेज जो है कार में अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, सो एयरपोर्ट से होटल का इतना डिस्टेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी होती है वो 25 दिरहम से स्टार्ट होती है और उसके बाद वहाँ पर मीटर चलता रहता है। हमारा टोटल 44 दिरहम्स बने थे होटल से टैक्सी तक का। होटल का रूम बस सो था, मैंने उनको कहा कि चेंज करो, इसके साइज़ छोटा है और मेरा सामान ज़्यादा है, तो उन्होंने रूम चेंज किया, लेकिन उससे भी छोटे रूम में डाल दिया। एनी हाउ, ये छोटा सा रूम टूर मैं करवा रही हूँ किस तरह से था। इतनी कम जगह नहीं थी, लेकिन मेरा सामान ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता अगर मैं सारे बैग्स वगैरह खोलती। एनी हाउ, वानिया को मैंने दूध वगैरह पिला के सुला दिया, थोड़ा सा उसने नैप लिया और वो फ्रेश हो गई। उसके बाद हमारा क्रूज डिनर का टाइम था 7 बजे। अभी मैं यहाँ पर बस का वेट कर रही हूँ। हमारा जो ट्रिप था वो एजेंसी के थ्रू था, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, ऑलमोस्ट 4 डेज़ का उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, बाकी हमने एक्सटेंड खुद कर लिया था। तो अभी यहाँ पर वानिया को ये स्ट्रीट कैट मिल गई थी, जिसके साथ बहुत अच्छा जो है वानिया का टाइम पास हो गया था, और यहाँ पर वो आगे आगे है बिली, और ये वानिया पीछे पीछे है। पूरे उसने 30 मिनट्स यहाँ पर खेला, उसके बाद हम गए क्रूज डिनर पर। तो यहाँ क्रूज़ डिनर का खाना बस सो था, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे थे, नेक्स्ट लेवल थे। इस टाइम जो फ़रवरी में मौसम परफेक्ट होता है, अगर आपको दुबई जाना है तो आपको फ़रवरी में जाना चाहिए। आप न्यू ईयर पर भी जा सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल क्राउडेड होता है। अभी भी क्राउड था, लेकिन यू नो न्यू ईयर पर सब कुछ ओवर एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा क्राउड भी ज़्यादा होता है, इतना मज़ा नहीं आता, इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती। तो हमारा प्लान तो न्यू ईयर पर ही जाने का था, लेकिन फिर पोस्टपोन हो गया किसी वजह से। एनी हाउ, हेयर वी आर, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह की टाइमिंग होती है वो हमेशा बेस्ट होती है, और हमें बहुत खुशी थी कि हम अच्छे टाइम में अच्छे मौसम में आए हैं। अगर आप जून जुलाई मई में जाओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये होता है कि ऑफ सीज़न होता है, क्राउड भी कम होता है और एक्सपेंस भी कम लगता है। खाने के 30 मिनट्स के बाद कुछ परफॉर्मेंसेस हुई, हमने उनको एंजॉय किया। I'm going. Do you love your blankie?
वानी अपना ब्लैंकेट साथ साथ रखा है उसने क्रूज डिनर पर, और हमारी भी आंखें पूरी थी कहीं इसका ब्लैंकेट ना गुम हो जाए, क्योंकि इसके बगैर वो नहीं सोती बिल्कुल भी। अच्छा, क्रूज डिनर का ये जो सीन था सारा वो 2 आवर्स का था, और इस पे जो $75 की ये पर हेड के हिसाब से था, जो कि बनता है पाकिस्तानी 19 to 20,000 रुपीज़। और आई थिंक इट्स अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, वन टाइम आप एक्सपीरियंस करें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं, और आपका दोबारा जाने को भी दिल करेगा। अच्छा, इसके बाद हम घर जा रहे हैं, आई मीन होटल जा रहे हैं। होटल जाते ही मैंने जी शोर मचा दिया कि मेरा कमरा बहुत छोटा है और हमने बैग्स खोलने हैं, तो हमें बड़े कमरे में शिफ्ट किया जाए। तो उन्होंने फाइनली हमारी बातें सुन के, हमारी इल्तिजा सुन के से तंग आकर हमें जो है बड़ा रूम दे दिया। और ये रहा जी छोटा सा क्विक रूम टूर, ये है जी वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस था, सामने कबर्ड्स थी जहाँ पे हमने सामान रख लिया अपना, और रूम भी काफ़ी स्पेशियस था, मतलब कि बैग्स खोलने के बाद भी काफ़ी जगह थी कि हम चल फिर सकते थे। इसके अलावा दोनों साइड्स पर काफ़ी बड़ी फुल वॉल की विंडो थी, जिसकी वजह से डे टाइम में अगर आप कर्टन्स हटा दो तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और रूम ज़्यादा स्पेशियस हो जाता था। इसके बाद हमने बैग्स खोले, आराम से चेंज किया, और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमें डिनर पसंद नहीं आया था, तो 1:30 बजे, 1-1:30 बजे का ये टाइम है, हम बाहर गए। हमने देखा कि क्या क्या मिल रहा है बाय मार्केट में और कुछ अच्छा खाने को हमें मिल जाए ताकि हम सुकून से सो सकें। तो हम वहाँ पर, हमें कुछ रेस्टोरेंट्स मिले जिसमें पाकिस्तानी फूड था। फाइनली हमें मिल गया है रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें पाकिस्तानी फूड मिल सकता है। सारे दिन के बाद हम खाना खाने लगे हैं, बहुत सारी वैरायटी है इसमें। इस रेस्टोरेंट का नाम है अल हबीब। 24 आवर्स ओपन। रेस्टोरेंट के साथ ही फ्लावर शॉप थी जहाँ पर बहुत से लोग फ्लावर्स ले रहे थे, क्योंकि 14th फेब थी, मतलब कि हम 13th को ट्रैवल कर रहे थे, तो रात के टाइम 1:30 बजे 14th फेब शुरू हो गई थी, वैलेंटाइंस डे शुरू हो गया था, तो बहुत से लोग जो थे ना फ्लावर्स ले रहे थे वहाँ से, और बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही अच्छे फ्लावर्स थे। शॉप में मैं जाना चाह रही थी लेकिन जब तक हमारा खाना ख़त्म हुआ तब तक वो शॉप बंद हो चुकी थी। और ये रहा हमारा यमी यमी खाना, इतना भी यमी नहीं था, थोड़ा बहुत हमें ठीक लगा, ओके लगा, क्रूज़ डिनर से तो बेहतर ही था। तो हमने खाना खाया और उसके बाद हम सीधा होटल जाके सो गए, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।